हाय दोस्तों, मेरा नाम है वेंकटेश। आज एक स्टोरी बताने वाला है। अभी क्यों हिंदी में बता रहा ना, अभी मेरा बहुत दोस्त लोग हिंदी में भी है तो हिंदी में पूछ रहे हैं, हिंदी में स्टोरी बताओ, हम लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग खाली तमिल में बात करते समझ भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं हिंदी में स्टोरी बना रहा हूँ। हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, पूरा बराबर नहीं बात कर रहा, फिर भी मेरा हिंदी आप लोग का मालूम है कैसे, इसलिए मैं हिंदी में स्टोरी बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आप लोग स्टोरी के अंदर जाएगा। एक मिनट स्टोरी के अंदर जाने के पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं भी हिंदी में वीडियो डालने वाला है, वो आपको आएगा। नीचे का बेल बटन वो भी दबा दो, नोटिफिकेशन तभी आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अपना वीडियो के अंदर जाएगा। एक बड़ा सिटी है, उसमें एक पापा है, फिर एक बेटा है, वो बेटा का नाम मारी है, फिर वो बहुत रिच है, मतलब बहुत हाई लेवल है, उन लोग मनी है, कार बाइक सब कुछ है उन लोगों के पास। पापा सोच रहे ठीक है, और बेटा को बाहर लेके जाओ घूमने के लिए, एक ट्रिप जैसे वो प्लान कर रहे हैं। फिर वो बेटा को बाहर लेके जा रहे हैं, एक बहुत गरीब गांव है, वो गांव में लेके जा रहे हैं। उसमें एक बहुत गरीब आदमी है, वो घर पे स्टे कर रहे हैं, वो घर पे रुक रहे हैं उन लोग एक हफ्ता तक वो घर पे स्टे किए। स्टे करने के बाद वापस उन लोग मार के लेके वापस घर पे गए वो पापा। फिर मारी पापा मारी को पूछ रहे, अपना ट्रिप गया था, वो ट्रिप कैसे लग रहा तुमको? मारी बोल रहे हाँ पापा अच्छा था वो। फिर वापस वो मारी के पापा पूछ रहे मारी को, और तुमको क्या क्या अच्छा लग रहा उधर, गरीब आदमी को तू देखा है, देखा ना? फिर मारी बोल रहा हाँ पापा देखा था, उन लोग से क्या पसंद है तुमको, क्या पसंद हुआ पूछ रहा। फिर मारी बोल रहे ठीक है पापा मैं बताता हूँ, हम लोग पास तो एक कुत्ता है, वो तो हम लोग बन के घर पे अंदर ही रखता था, बाहर किधर भी छोड़ता नहीं, लेकिन उन लोगों के पास ऐसा नहीं, चार पांच कुत्ता है उन लोगों के पास, उधर फ्री में कुछ बनते नहीं, उधर उधर जाते हैं, फ्रीडम है, बहुत फ्रीडम है। फिर अपने पास एक स्विमिंग पूल है, वो भी एक हफ्ता तक पानी चेंज नहीं करते, उसमें हम लोग नहाते सब कुछ करते, लेकिन गांव में ऐसा नहीं, वो गरीब लोगों के पास, वो गांव के बीच में बड़ा नदी जा रहे, उसमें गांव वाला सब लोग जाके साथ में जाके नहा के मजा करते एंजॉय करके आते। फिर हम लोग पास बहुत प्रॉपर्टी कुछ, लेकिन वो सेव करने के लिए, वो सेफ्टी के लिए अपना अलग से सिक्योरिटी रखा है। हम लोग बहुत डरते, कोई तो आके लेके जाएगा क्या, चोरी हो जाएगा क्या, ऐसे डरते, लेकिन उन लोग ऐसे नहीं, उन लोग पास इतना ज़्यादा कुछ नहीं, फिर भी उन लोग टेंशन कुछ नहीं लेते, उन लोगों को दोस्तों के साथ सब गाँव रिलेटिव रहो साथ में, तो किसी को डरता नहीं, कुछ प्रॉब्लम रहे तो उन लोग आके देखते। फिर हम लोग ना पालकनी है हम लोग घर पे, वो पालकनी में बाहर आके हम लोग बाहर देखते, लेकिन उन लोग के पास पालकनी नहीं, लेकिन उन लोग घर पे बाहर आएगा ना पूरे यूनिवर्स से दिखते, बहुत मस्त दिख रहे। फिर हम लोग ना घर का अंदर सोते, तो लाइट सब बंद करके एक छोटा लाइट चालू करके काले वो लाइट देखे ऐसे हम लोग सोते, लेकिन उन लोग ऐसे नहीं घर के बाहर आके सो रहे। उन लोग ऊपर देखते ना पूरा स्टार्स सब दिख रहे, वो बहुत व्यूज अच्छा लग रहा है। फिर हम लोग ना खाने के लिए पैसा देते, राइस लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए पैसा देके हम लोग परचेस करते, लेकिन उन लोग ऐसे नहीं, उन लोग खुद बनाते सब राइस वगैरह, खेती डालते सब कुछ। फिर हम लोग ना अपने पास जगह है, लेकिन वो छोटा जगह है, उस जगह के अंदर हम लोग रहते, लेकिन उन लोग का ना गाँव में आधा जगह उन लोग के रहते, पूरा खेती वो डालते सब डाल के वो मजा करते। मेरी ट्रिप में ना ये सीखा है, मेरी ट्रिप आप लेके जाने के लिए आपको थैंक यू करता हूँ पहले पापा, क्योंकि हम लोग इतना गरीब आदमी, ये ट्रिप में मैं सीखा है सब ये स्टोरी में ना, हम लोग गरीब आदमी पापा, ये ट्रिप में देखे मैं बहुत कुछ सीख लिए, थैंक यू पापा जैसे बोल रहे हैं। ये स्टोरी क्योंकि मालूम है, बहुत लोग सोच रहे हम लोग बस बड़ा घर है, बड़ा फ्लैट है, फ्लैट में दो तीन रूम लिया है, ऐसे कुछ एक गाड़ी है, व्हीकल है, हम लोग बड़ा आदमी हम लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, बड़ा आदमी रिच आदमी किसको बोल रहे हैं मालूम है, अपने मन में कुछ टेंशन नहीं रहते, फ्रीडम में घूमते, सब लोगों पर प्यार करते, बहुत फ्रेंडशिप रहते, सबसे उन लोग बड़ा रिच मैन है, बाकी कितना भी बड़ा होम बड़ा ज्वेल्स पैसा रहेगा उन लोग बड़ा आदमी नहीं है। तो ये स्टोरी में मैं आप ये बोलने वाला है, आपको ज़िंदगी में आप पैसे के पीछे मत जाओ, अच्छा दोस्त अच्छा दिल वाला अच्छा प्यार कौन देते हैं उसके पीछे जाओ, वो रियली रिच मैन बोलते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, आपके दोस्त लोगों को शेयर करो। थैंक यू फॉर
वॉचिंग स्टिल लास्ट. थैंक यू भाई.